के ब्लॉग के शुरुआत कर रहा छी सीधा बरसाइत स्थल से जत बरसाइत हम सब पूजा के लौ गौशाला चौक मधुबनी के लगने जे विशाल वटवृक्ष छै ओहि ठमन हम सब पूजा के लौ। सबसे पहले जे बासक बियन छलै है ओहि में हरद के पिठार लगे जे होइ छै पिठार मिलाल हरद ओहि सब बियन पर पहले अर्पण बनेलौ फिर आम पर लगा कर ओकर बाद में जे छै से लोटकी तोटकी पर लगा कर तहन हम सब पहले बड़ गाछ पर में थप्पा लगेलौ। हालांकि जे आई के ब्लॉग शूट करे छलत है वो आधा अंश के लिए तो आधा वाला में कनी वीडियो तो आधा नंदिनी बुआ जो मैं ननद लगती वो केने छलत है पूरा श्रेय हुनकर सबके जाए छन। और साथ में जे छे से आप हम सब अगरबत्ती धूप जरा कर सबसे पहले भगवान के नवेद लगा लगवें पिठार तिठार लगेला के बाद में और ओकर बाद में हम सब कथा पढ़े छी। आई के दिन के कथा है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण छै सावित्री के कथा अहाँ सब सुनने हेबे बैकग्राउंड साउंड हम ओहि दुआरे रह देलहुँ हैं जे अहाँ सब कथा सुनि अंदाज लगा सकी अहाँ सब ओतऽ कोन कथा होइए जरूर हमरा कमेंट में बताएब। तऽ से चीज छै मिथिलांचल में बरसाइत के बहुत पौराणिक समय से मान्यता छै ओना तऽ कहल जाइ छै जे बरसाइत मिथिलांचल के ही मेन अथी होइ छै ओकर बाद कोनो अथी में स्टार्ट भेलैए दोसर जगह पर। हालांकि पूजा त्यौहार सबके मिलकर सेलिब्रेट करबाक चाही खास कऽ के सुहाग के पूजा छै तऽ एना कऽ कऽ पूरा कथा जे छै से हम सुनलहुँ। और ई जे छै से मर दिया बर लिया एकटा बरसाइत पूरा पावनि के मेन चीज छै के तात्पर्य इएह होइ छै जे सब मरि गेल छलखिन हुनका ओ वापस माँगि रहल छथिन सावित्री अपन दियौर भैंसुर सबके और हुनकर जे मरि गेल छलनि नाग के विषहरा के हुनका वापस कऽ रहल छथिन कहि रहल छथिन हुनका जहाँ दिअ से चीज। तऽ सावित्री के जे आइ के युग में मतलब बहुत आइयो के युग में हुनकर बहुत मान्यता छै ना पौराणिक समय से प्रचलन चलि आबि रहल छै तऽ अखनो होइ छै। अहाँ सब ओतऽ पूजा के दौरान की होइए अहाँ सब केना करै छी जरूर बताउ। हालांकि पूरा मिथिला में जे छै ई चीज कैलेटा जाइ छै तकर बाद गोर लागि कऽ भगवान अपन हम सब सुहागिन अपन सुहाग के सलामती के लिए सावित्री मैया सँ कामना करै छी और विष्णु जी सँ। साथ में राजपूत छथिन चाची तो हिनका सब दिस ठार सिंदूर होइ छै हालांकि अहाँ सबके पता है अपना सब में धासा होइ छै तो हम घर से धासा कऽ कऽ गेल छलहुँ हैं तो चाची हमरा सबके जे छै ठार सिंदूर कऽ देलक। और अहाँ सबके तो पते है जे सिंदूर चाहे कोनो ठार होइ चाहे धासा होइ कोनो भी तरह के अगर सिंदूर होइ छै तो ओहिमे कोनो भी केओ मना नहि करै छथिन। और पूजा के त्यौहार में सिंदूर जते भरल मांग रहै छै ओतेक नीक लागैत रहै छै तऽ हमहुँ सबके चाची सब गोटे के चारि गोटा छलहुँ लगा देलक। जाबे तक हम सब पूजा करै लए पहुँचल रही यानी कि हम सब 2 बजे तक पहुँचल रही तऽ बहुत भीड़ रहै एक तोड़ी पूजा कर कऽ लोग उठि गेलखिन हम सब बहुत चैन सँ पूजा केलहुँ। और आइ पूजा मे बरसाइत मे जे छै से तऽ कनी बरखा भी भऽ गेल छलै तऽ उमस छलै लेकिन तैयो गर्मी सँ राहत छलैए संग हम सब सिंदूर तिंदूर लगा कऽ पूजा मे जे कनी मनी बचल छलै प्रसाद हे सब हमरा सबके उसरगऽ के छलै और एखन हमर सबके बाकी छलै किछु परिक्रमा वगैरह तो हम सब साथे साथे पूजा त्यौहार केलहुँ कनी हँसी मजाक कऽ लेलहुँ। 4 गो औरत और साथ में पूजा करऽ के एकटा अलग ही अथी होइ छै हालांकि हम आंटी सँ छोट छलियै ना लेकिन सब दिन आंटी जहिया लगाबै छथिन हर साल बरसाइत में हम मतलब 3 तेसर साल बरसाइत है मधुबनी में तो सब साल हम चाची के लगा दै छियनि एना ही लगाबै छथिन और हमरे से शुरू केलथि फिर हम बाद में लगा देलहुँ। आप सब गोटे अपन अपन ओरियान पाती पर लागि गेलहुँ सिंदूर भेला के बाद में। और बरसाइत के पूजा में बड़ गाछ जे कि प्रकृति के बड़ गाछ छै ओकर पूजा के मान्यता छै नै कि केओ अपन सुविधा लेल ठाइर के तोड़ कऽ पूजा करै छथिन ओकर मान्यता नै छै माने नै छै। आब भऽ गेल एतऽ सँ हमसब धागा बांधब धागा बान कऽ ओकर बाद मे जे छै से हमसब रक्षा सूता गाछ मे बान्हि कऽ ओकर बाद भगवान सँ मुने मुने गोहराबै छियनि सावित्री के विष्णु जी के कहै छियनि जे जेना ही अहाँके सुहाग बनल रहै तेना ही हमरो सबके सुहाग बनल रहै। हालांकि एकर कोनो हमरा सब दिस तऽ मंत्र नहि छै तऽ बस अहाँ गोल गोल घूम लगा लिअ मोन मे से सावित्री के और विष्णु जी के स्मरण करैत रही। बहुत बेसी थाल छलैया पानि भऽ गेल छलै ताहिके वजह से एकदम थाल से जेना लागै छलै पूरा साड़ी ताड़ी कपड़ा तपड़ा सब खराब भऽ गेल छलै। और अहाँ सब माथ मे बर के पात लगाबै छी कि नहि से जरूर बताएब जे केओ मिथिला के बाहर से हमर ब्लॉग देखैत है वो जरूर बताएब जे अहाँ सब दिस केना होइ छै या जे झा ठाकुर या ब्राह्मण छथिन हुनका अलावा अगर हुनका दिस होइ छनि तऽ की होइ छनि। आइ के प्रसाद मे अगर हम फेरा के साथ साथ जे लगा रहल छै बता दी तऽ चना के मेन मान्यता छै ओकर अलावा जे 5 रंग के फल होइ छै ओ हमसब प्रसादी मे चढ़ेलहुँ हैं मधुर अलग से मधुर 5 रंग के मधुर 5 रंग के मिठाई अहाँके संभव नहि हुआ तकर उनके फल सँ खा सकै छी। सब अपना अपना हिसाब से पूजा पाठ अपन अपन श्रद्धा और सामर्थ्य के हिसाब से करै छै ओना ही करबाक चाही। संग में आब भऽ गेल हमर सबके फेरा कम्प्लीट आब हमसब एतऽ जे छै से बियन होइक देलहुँ बर महाराज के बियन होइक इएह कहै छियनि जे हे बर महाराज अहाँके बियन हो गई छी जेना ही अहाँ ठंडायल रहब तेना ही हमर घर वाला सब दिन ठंडायल रहत
आई के साथ आई के ब्लॉग समापन भोरल। अहाँ सबके केहन लागल जरूर कमेंट कऽ के बताएब। जय मिथिला, हैप्पी वर्ष सावित्री।